क्या हमारा कर्तव्य है या क्या हम क्यों करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं क्यों करें। मैं एक्टर हूं तो मैं एक्टर क्यों हूं, तो मैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती टाइप फिल्म क्यों नहीं करता, पैसे क्यों नहीं कमा रहा, या डेली शो क्यों नहीं करता, पैसे क्यों नहीं कमा रहा, इस तरीके की फिल्में करने का मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, या कोई ऐसा लेख लिखना या ऐसी स्टोरी करना और सही रूप से करना बिना सेंसेशन क्रिएट किए पत्रकारिता में, या 7 से 10 बहस सुनना न्यूज की और बहस सुनना और एक कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलना। ये सारे सवाल बहुत सारे मन के हैं। आतंकवाद, पत्थरबाजी, टीडीपी का इनका वापस लेना समर्थन, और आतंकवाद आईएस का, चाहे वो सीरिया का या कोई भी पूरी दुनिया के, इन सारे सवालों को समेट कर उसका निचोड़ करीम मोहम्मद में हमने जो इसके लिए फिल्म है उसका निचोड़ है। मतलब जमीन और जिंदगी की लड़ाई है। मतलब हम कोई भी गलत काम अगर हो रहा है तो क्या उसे होने दें या उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये इसी की लड़ाई है। मतलब आपका जमीन क्या बोलता है, तो यही इस फिल्म का निचोड़ है, जो जिसको बोल सकते सॉस चटनी, मतलब निचोड़ करके जो छोटा सा अगर इतना सारा बोलने की बजाय खूब सारा इतनी से अगर बात करें, एक छोटे से परिवार बकरवाल फैमिली ऐसी है जो कारगिल युद्ध में बकरवालों ने ही आर्मी को, इंडियन आर्मी को सूचना दी थी कि पाकिस्तानी लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही होगा। ये पहाड़ों पे बकरियां भेड़ बकरियां चराते हैं, ये गुर्जर कम्युनिटी के हैं ज्यादातर लोग, गुर्जर लोग हिंदू नहीं मानते, मुस्लिम लोग मुस्लिम नहीं मानते इनको। अभी अपन ने सब लोगों ने आसिफा कांड हुआ था जम्मू में, जो कि बहुत दुखद एक घटना हुई थी, तब बकरवाल फैमिली से थी वो, तो बकरवाल का नाम काफी आया था कि बकरवाल, वरना बहुत लोग जानते भी नहीं है कि बकरवाल क्या है। तो ये बकरवाल फैमिली की कहानी है, जो सर्दियों में ऊपर से बर्फ जम जाती है तो नीचे चलते हैं और गर्मियों में ऊपर चलते हैं, तो तकरीबन 8 महीने 7 महीने सफर में ही रहते हैं ये, और इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, कहीं भी तंबू लगाया, और तो रास्ते में क्या क्या होता है ये पूरी कहानी, बल्कि इसके गाने की 4 लाइन ये बताएंगे थोड़ी देर में बालकिशन जी, कि इस गाने का जो सफर ही है पूरा, पूरी फिल्म जो है वो एक सफर है, और सफर में रास्ते में कौन कौन मिलता है, ये अनुज है जो थोड़ा सा पीओके के करेक्टर कर रहे हैं, और ये एक ऐसे यंग लड़के का किरदार है जो इंजीनियर मतलब कॉलेज में है और इसको उठा के ले जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन फिर भी ये भाग के आता है, किसी इसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, माँ पागल हो गई, लेकिन फिर भी ये गलत काम की तरफ नहीं बढ़ता है, ये उसके खिलाफ जाता है। मतलब आर्मी का हमारे पॉजिटिव करेक्टर बन के उभरता है मेरे मरने के बाद। तो बच्चे के सवाल सारे जो मैं प्रॉब्लम्स बताई दुनिया की, जो आतंकवाद की, आतंकवाद छोटा सा मॉब लिंचिंग भी आतंकवाद है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कोई बोल नहीं रहे हैं हम लोग, और सिर्फ राजनीति की वजह से, तो ये सारी समस्याओं का एक बच्चे के मुंह से सवाल ही सवाल वो बच्चा पूछता रहता है, आपने देखा होगा, और मैं उसका जवाब देते रहता हूँ, लेकिन एक वक्त आता है जब मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात उसके दिमाग में बैठती है कि जमीन और जिंदगी, तो मेरे मरने के बाद पूरे गांव के खिलाफ जा करके मेरा बेटा एक बच्चा कैसे उनका साथ लेकर के पूरे गांव को साथ लेते हैं और उसका विश्वास जीतते हैं और अपनी जीत हासिल करते हैं, ये एक छोटे में एक कहानी है। अब आपको अगर कोई सवाल हो या पवन जी, पहली बात है कि इस तरीके की फिल्म क्यों करते हैं हम लोग, है ना। मेरा मानना है कि हम जब इस मीडिया क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो डायरेक्शन है, वो किसी भी तरीके के, जब हम इस क्रिएशन के अंदर आते हैं तो हमारा सोसाइटी के प्रति कर्तव्य और ज्यादा बढ़ जाता है।
आम लोगों को। मीडिया बहुत ही खतरनाक चीज है, खतरनाक इन द सेंस आपके घर के अंदर कोई सेल्समैन आता है और जो चीज आपको नहीं लेनी है आप सोसाइटी के चौकीदार को बोल देते हैं कि भैया बाहर से भगा देना, इसको हमें नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के सामने इस तरीके की बात ना बेचे, इस तरीके की बात ना करें। लेकिन टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब चीजें आपके घर के अंदर पहुंचता है। न्यूज़पेपर दरवाजे के नीचे से खिसक के अंदर जाता है, टीवी बच्चा देख रहा है, स्विच ऑन कर रहा है, कभी भी वो चीजें देख सकता है। तो हम एक ऐसे मीडिया से ताल्लुक रखते हैं जो लोगों के जहन के अंदर जहां रोक लगा दी होती है वहां भी जाके घुस जाते हैं। तो इससे हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस तरीके की सिनेमा करने में, इस तरीके से पत्रकारिता करने में, इस तरीके के आर्टिकल लिखने में, इस कला के क्षेत्र में आने से। बहुत जैसे यशपाल भाई का एग्जांपल देता हूँ, जिनके पास ये नहीं कि कमर्शियल फिल्मों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन आपको मानसिक एक शांति कब मिलेगी सोसाइटी के प्रति? हमारे हम भी आलू प्याज का होलसेल का काम कर सकते थे, मेरा भी फोटोग्राफी का बिजनेस था, मैं भी उसके अंदर लाख रुपए कमा सकता था, लेकिन आज भी जूझ रहे हैं। तो तड़प है, कुछ जनून है, कुछ पैशन है हम लोगों के बीच में, जो आप लोग भी 9 से 10 की नौकरी नहीं कर रहे हैं, 9 से 5 की नौकरी नहीं कर रहे हैं, और हम भी रात दिन उसके अंदर लगे हुए हैं। दूसरा मेरा मानना यह है कि जिसको हम इस तरीके का सिनेमा बोलते हैं, जिसको हम सेकंड पैरेलल सिनेमा मान के चल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा होगा। और जो नाच गाना फोड़पन जो हम करते जा रहे हैं वो आपका पैरेलल सिनेमा होगा। अभी हम बहुत बड़ी एक राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात चली, तो वहां 72 ईयर्स के एक रिपोर्टर थे, अमेरिकन एलेक्स जब थे, तो उनसे पूछा गया कि इंडियन सिनेमा जो है ऑस्कर में या कांस में सब जगह क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो उसमें बड़ा गुस्से हो गया, तो कहता है इंडियन सिनेमा, वेयर इज इंडिया इन इंडियन सिनेमा, आप तो कॉपी कर रहे हो हमारी, एक नाच डाल दो, गाना डाल दो, वो कर दो, ये कर दो, उसने फिल्म बनाई, ये बना दी, आपका सिनेमा कहाँ है, आपकी कहानी कहाँ है, आपका कॉस्ट्यूम कहाँ है, आपका जंगल कहाँ है, आपके गांव कहाँ है, आपकी वैल्यूज कहाँ है। तो मेरा मानना है जब तक इस तरीके के सिनेमा के अंदर हम लोग जोर नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, आप पहले प्राइवेट चैनल में जाते थे, हम लोग प्राइवेट चैनल के अंदर क्या होता था, जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई सीरीज लेके जाते थे ना, वो कहते थे इसको दूरदर्शन में लेके जाइए, ये प्राइवेट चैनल में नहीं चल सकता, यहाँ तो यंग कहानी चाहिए। लेकिन बालिका वधु चला, दिन पर दिन कैसे इन्होंने जो सीरियल किया था नीली छतरी वाले, वो चला, आज वो प्राइवेट चैनल बोलता है नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें कंटेंट क्या है, इसकी आत्मा क्या है, ये क्या देके जा रहा है। तो अगर टीवी में क्रांति आ गई है तो सिनेमा में भी क्रांति जो है वो 5 साल भाई। लगान के बाद आमिर खान की दिशा चेंज हो गई, अक्षय कुमार की फिल्मों के सब्जेक्ट चेंज हो गए, अभी धीरे धीरे सलमान खान की चीज बजरंगी भाईजान और ये आ गए है ना, सुल्तान और कंटेंट बेस्ड फिल्में आ गई। अमिताभ बच्चन को देखे कहा कौन सी फिल्में कहते थे, कौन सी थी वो इनकलाब और पता नहीं कैसी कैसी, कैसे क्यों चेंज हो गए। तो एक ना एक दिन सबको आना ही पड़ेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि टीवी के साथ साथ सिनेमा भी, सिनेमा स्टार लोगों ने भी 5 साल के बाद बिल्कुल हमारे आएगा कि इस तरीके का सिनेमा क्यों कर रहे हो, नाच गाना फोड़ पना क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ग्रैंड मस्ती, क्या जरूरत है। ये टाइम आने वाला है, ये सिनेमा करना हमारी खुराक है, हमारा पैशन है, हमारी जिंदगी है। तो हम तो यही करेंगे जब तक ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं होगी, जब तक फेस्टिवल इसके लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर देंगे। सवाल दूसरा, करीम मोहम्मद हमने क्यों चुना, बच्चा भी क्यों चुना, नेचर भी क्यों चुनी, क्यों हमने बड़े बड़े शहर और उस तरीके की। मेरा मानना ये है कि हम सब लोगों के बचपन में बहुत से सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब हमको आज भी किताबों में नहीं मिलते हैं, पहली चीज। दूसरा नेचर ऐसी चीज है कि आप सारे झूठ को, आपकी सारी डुप्लीकेट पर्सनैलिटी को वहां जाकर के एकदम साफ कर देती है। तो नेचर और बच्चा, इन दो लोगों को हमने मेन गोल माना इस कहानी को कहने का। बच्चे के जरिए जब हम कोई बात कर रहे हैं तो उसके पास ना कोई पॉलिटिक्स है, ना उसके पास किसी चीज का कोई असर है, कोई भ्रांतियां नहीं है। और नेचर तो अपने आप में न्यूटन का सिद्धांत अगर नेचर से कर सकता है तो हर सवाल का जवाब नेचर के अंदर है। तो हमने इसकी दो चीजों को चुन करके इसकी कहानी को बनाने की कोशिश की। करीम मोहम्मद एक बच्चा जो बाप से सवाल पूछता है, बहुत खतरनाक सवाल है,
जो हमें बहुत छोटे लगते थे जिंदगी में, कि अबू इसकी मौत हो गई तो हम लोग दुख क्यों मना रहे हैं? अगर यंग लड़के को टेररिस्टों ने मार दिया तो हम दुख क्यों मना रहे हैं? ये तो होना था ना, ये तो लिखा हुआ है, भगवान सब कुछ करता है, भगवान अब उनको सजा देगा। ठीक है, अगर इसकी मौत लिखी थी, तय थी, तो हम रोने का क्या मतलब है? अब क्या जवाब है आपके पास? बाप चुप है, लेकिन बाप जवाब देता है कि नहीं बेटा, ये भगवान की नहीं, ये शैतान की औलादों का काम है। भगवान और शैतान हर समय हर काल में रहा है, पैदल रहा है, शैतान भी कमजोर नहीं रहा है। तो ये लड़ाई भगवान और शैतान की है, और शैतान चालाकी से कुछ काम कर देता है तो भगवान उसको जरूर सजा देगा। तो भगवान सर्वशक्तिमान था, है और रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चा पूछता है, अबू इस नाले के पार हम लोग क्यों नहीं जाते? माँ बोलती है, वो दुश्मन की सरहद है, पड़ोसी मुल्क की सरहद है। कहता है, पड़ोसी मुल्क की सरहद है? माँ की मौत है, मत जाना। पड़ोसी मुल्क की सरहद, पड़ोसी तो हमारे दोस्त होते हैं। पड़ोसी जब हमारे घर में आता है तो हम उसे खिलाते हैं पिलाते हैं, पड़ोसी हमारा दुश्मन कैसा हो जाता है? अब क्या जवाब है आपके पास? बाप कहता है, नहीं, ये लकीरों का मामला है, बेजान लकीरों का मामला है, बेजान लकीरों का मामला है। तो बताइए किसने बनाई ये लकीरें, बनाई किसने? अब कोई जवाब नहीं है उसके पास, किसने बनाए ये सारी चीजें। कहता, मुझे नहीं बनाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता किसने बनाई। ये जो सवाल है बच्चों के दिमाग में, ये भगवान के लिए आतंकवाद के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो आतंकवाद में क्या है आज की डेट में? हम लोग एक पहलू दिखा रहे हैं, कश्मीर है, छोटा सा पहलू है जो हाईलाइट हो रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। लेकिन बाकी का 80% इलाका कैसा है, 80% वो कम्युनिटी कैसी है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आतंकवादी को जब कोई छुपाता है घर के अंदर, तो क्या सोच के छुपाता है? वो ये सोच के छुपाता है कि मैं जिंदा रहूं, मेरा परिवार जिंदा रहे, मेरे बच्चे जिंदा रहे और मेरा गांव जिंदा रहे। अगर यहाँ पर आकर के कुछ हो जाता है, एक दिन आकर के रुक जाते हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे गांव को तो कुछ नहीं होता, मेरी फैमिली को नहीं होता, तो उसे क्या चुनाव? जिंदगी। लेकिन अगर उसके बच्चे को उठा के लेके जाएंगे, उसकी बीवी को उठा के लेके जाएंगे, गांव के अंदर 50 लोगों की लाशें बिछा देंगे, तब वो जिंदगी चुनेगा या जमीन? तो इम्पोर्टेंट क्या है? तो हम कश्मीर के आतंकवाद के ऊपर अगर बहस शुरू करें तो इनको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, आतंकवाद को खत्म किया जा रहा है। लेकिन जब तक जमीर नहीं जागेगा लोगों का, जो बचाने वाले लोग हैं, पत्थर मारने वाले लोग हैं, उनके जमीर को जगाना बहुत जरूरी है। और जमीर की परिभाषा को एक लाइन में परिभाषित नहीं कर सकते। तो जमीर है क्या, ये बच्चों को समझाना, संस्कार की बात आज बहुत अच्छी की थी यशपाल भाई ने पिछली मीटिंग के अंदर, अभी और मैं चाहूंगा वो दोबारा से बात करें। तो इस तरीके के सवाल है जिनका जवाब ये फिल्म है। करीम मोहम्मद फिल्म छोटी है लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरीके